अभिनेता शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान जबरदस्त चर्चा में है, लेकिन खान के फैंस लंबे ब्रेक के बाद उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेकरार हैं। लेकिन रिलीज से पहले ही ये फिल्म बेशरम रंग गाने को लेकर जबरदस्त विवादों में बनी हुई है। इस गाने में भगवा रंग की बिकनी पहनने के लिए दीपिका पादुकोण को खूब ट्रोल किया गया। कई धार्मिक संगठनों ने भी इस पर आपत्ति जताई। इसके अलावा कुछ बॉलीवुड हस्तियों ने भी इस गाने पर तंज कसा है। इन्हीं में से एक है विवेक अग्निहोत्री। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक ने हाल ही में ट्विटर पर इस गाने को लेकर एक चेतावनी जारी की है। विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। इसके जरिए उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में परोसी जाने वाली फुहड़ता और अश्लीलता पर निशाना साधा है। वीडियो में पठान के बेशरम गाने की भी कुछ क्लिप्स हैं। इस वीडियो में दो वीडियो को मर्ज कर उनका कोलाज बनाया गया है। एक तरफ गाने के दृश्य दिखाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक टीनेज गर्ल फिल्मों के बाद लड़कियों और छोटी बच्चियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त करती नजर आ रही हैं। विवेक अग्निहोत्री ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें एक बच्ची बॉलीवुड फिल्मों और OTT के कंटेंट पर सवाल उठाती नजर आ रही है। साथ ही बच्ची साफ सुथरा कंटेंट पेश करने की अपील कर रही है। विवेक अग्निहोत्री ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, चेतावनी, ये वीडियो बॉलीवुड के खिलाफ है। अगर आप सेक्युलर हैं इस गाने को ना देखें। यू आर नॉट अ कंप्लीट आर्टिस्ट इफ यू हैव नॉट डन एरोटिका। इट्स एन आर्ट फॉर्म। व्हाट कैन बी बेटर देन सेलिब्रेटिंग अ वुमन्स बॉडी? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? आई थिंक सेलिब्रेशन ऑफ अ वुमन्स बॉडी और ह्यूमन बॉडी, आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज फॉर अ फिल्म मेकर और फॉर अ फोटोग्राफर इज टू शूट टू नेकेड बॉडीज टुगेदर मेकिंग लव। Because you are taught differently, your school, your society, your parents taught you differently doesn't mean that I also have to look at it like that. I see beauty in it, you see shock. इतनी अश्लीलता कहाँ से लाता है आप लोग? ना मेरे शरीर की कोई रिस्पेक्ट, ना मेरे मन का कोई मोल, बस गंदगी में लिपटे हुए निरर्थक शब्द और निर्वस्त्र दृश्य, इसे आप कहते हैं कंटेंट? All those cheerleaders you see in IPL, isn't that sort of erotica? When erotica has entered our houses, when you are sitting with your children and watching that kind of erotica, when you are open to that erotica, people kissing each other in public, on television, then I think its time has come that we make erotic thrillers in this country. This is देखने वाले अपराधों को उकसाकर चले जाते हैं, पर बलि चढ़ती है हम बेटियां, 3 साल की, 8 साल की, 12 साल की बेटियां। एक मिनट, आपके घर में भी तो बेटी होगी ना, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? साफ सुथरा कंटेंट भी सोशल मीडिया और OTT पे बनाते ही हैं लोग, सब देखते हैं, तो अब ऐसा क्यों करते हैं? For the first time, we are saying that we are making a film which belongs to the genre erotic thriller. It's just a movie like any other movie. It can entertain you, it may not entertain you, I don't know. We made it with the intention to entertain people. This film is about the power of woman, but that woman belongs to 2012. She's a common girl, but... तो अब ऐसा क्यों करते हैं? पैसे के लिए ना? कैसे कैसे शब्द लिखते हैं आप, कैसे कैसे कॉस्ट्यूम्स, कैसे कैसे सीन्स, शर्म नहीं आती, दया नहीं आती? आप तो अपनी फिल्म दिखाकर निकल लेते हैं, लेकिन आज सुनिए, देश के दुश्मन है आप लोग, कंटेंट क्रिएटर नहीं, बेटियों के किलर है आप लोग, देश के विलन है आप लोग। हम लड़कियों की रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रोवोकेटिव और अश्लील फिल्म बनाना बंद कीजिए। डायरेक्टर के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोग उनकी पुरानी फिल्मों को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने पुराने अश्लील ट्वीट को क्लब कर लोग लिखते हैं शर्मनाक, डायरेक्टर को लोगों ने जाहिल और हिपोक्रेट बताया। उनके डायरेक्शन में बनी एरोटिक फिल्म हेट स्टोरी का बोल्ड पोस्टर शेयर कर उनसे सवाल कर रहे हैं। हेलो अंकल, नमस्ते आंटी, मेरा नाम है लड़की। मैं ना आप सब कैमरा के पीछे वाले जादूगरों की बहुत बड़ी फैन हूँ। डायरेक्टर अंकल, प्रोड्यूसर आंटी, इतनी अश्लीलता कहाँ से लाता है आप लोग? ना मेरे शरीर की कोई रिस्पेक्ट, ना मेरे मन का कोई मोल, बस गंदगी में लिपटे हुए निरर्थक शब्द और निर्वस्त्र दृश्य, इसे आप कहते हैं कंटेंट? आप तो देखने वाले अपराधों को उकसाकर चले जाते हैं, पर बलि चढ़ती है हम बेटियां, 3 साल की, 8 साल की, 12 साल की बेटियां। एक मिनट, आपके घर में भी तो बेटी होगी ना, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? साफ सुथरा कंटेंट भी सोशल मीडिया और OTT पे बनाते ही हैं लोग, सब देखते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? पैसे के लिए ना? कैसे कैसे शब्द लिखते हैं आप, कैसे कैसे कॉस्ट्यूम्स, कैसे कैसे सीन्स, शर्म नहीं आती, दया नहीं आती? आप तो अपनी फिल्म दिखाकर निकल लेते हैं, लेकिन आज सुनिए, देश के दुश्मन है आप लोग,
कंटेंट क्रिएटर नहीं, बेटियों के किलर है आप लोग, देश के विलन है आप लोग। हम लड़कियों की रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रोवोकेटिव और अश्लील फिल्म्स बनाना बंद कीजिए। प्लीज चेंज योर स्क्रिप्ट्स, चेंज योर डायरेक्शंस। ओटीटी एंड सोशल मीडिया आर नॉट योर लाइसेंस टू एक्सप्लॉइट अस। सेव द कल्चर, सेव द नेशन। कॉल टू रिट्रीव द नेशन from menace of rapes and cultural attacks on our civilization by misuse of OTT and social media platforms, films and pornography promotion. Let us wage this battle together. हालांकि इन ट्रोलिंग पर विवेक अग्निहोत्री ने रिएक्ट भी किया है। उन्होंने ट्वीट में बताया कि वो बदलाव में यकीन करते हैं, जब उन्हें लगा कि बॉलीवुड के साथ कुछ तो गलत है तो उन्होंने खुद को बदल लिया। वैसे विवेक अग्निहोत्री अपने बयानों और ट्वीट की वजह से अक्सर यूजर्स के निशाने पर होते हैं। वहीं अगर फिल्म पठान की बात करें तो ये मूवी 25 जनवरी को रिलीज होगी। पठान के बेशरम रंग गाने को लेकर सेंसर बोर्ड ने कुछ बदलाव भी सुझाए हैं। बेशरम रंग गाने में दीपिका की ऑरेंज बिकिनी पर विवाद छिड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि सेंसर बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद फिल्म से ये सीन हटाए जाते हैं या नहीं।